गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो में बात की थी हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, कैसे अपन उसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे नेट सेट हाउस की। इसके अंदर अपन लोग चलते हैं कि आज हमने क्या क्या प्रैक्टिसेस की है, कैसे नेट सेट जो हाउस होता है उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। आप देख रहे हैं ये रूम जो ये एक तरीके से प्रोटेक्ट है। इसको अपन अगर अदर वर्ड्स में कहना चाहते हैं, ये पूरा सैनिटेशन रूम है। सैनिटेशन रूम में हमें शूज़ वगैरह रिमूव करना होता है, वो मेनली अपन लोग हाइड्रोपोनिक्स यूनिट में करते हैं, इसमें इतना मेजर नहीं होता वो। इसके बाद हम लोग जो पोली हाउस के अंदर एंटर करते हैं, जो नेट सेट हाउस है इसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करते ही अपन को डोर क्लोज कर देना है वगैरह का। इसके बाद जो इसमें है हाइड्रोपोनिक्स और मेनली जो नेट सेट हाउस, इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि उसमें अपन सोइल लेस जो कल्टीवेशन करते हैं, इसके अंदर अपन सोइल का यूज़ करते हैं, उसमें सोइल अपन यूज़ नहीं करते। उसमें हाइड्रो जो अपन जल वाटर जो इसको बोलते हैं अपन, उसका मेनली यूज़ करते हैं। अब इसमें बता दें आपको कि हमें रेस्ट बेड बनानी थी। रेस्ट बेड बनाने के लिए हमने सबसे पहले स्पेड्स की जो हेल्प से हमने बेड्स तैयार की, उसके बाद लेवलर से उसको लेवलिंग कर दिया। लेवलिंग करने के बाद जो हाइड्रोपोनिक्स यूनिट में जो अपन प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, उसमें मेनली अपन इस जो सॉइल है इस बेड्स के ऊपर अपन नहीं लगाते, उसके लिए अलग से, क्योंकि उसमें नर्सरी वाले प्लांट्स, फ्लावर वाले, वेजिटेबल्स वाले, वो जो प्लांट्स अपन उसमें ग्रो करते हैं उनके लिए अलग से साइड में पड़ा। टोमेटो लगा रखे, लीजिए।